करनाल के गांव दनियालपुर स्थित वर्कशॉप में एक युवक की मौत पर हंगामा मच गया। आरोपी के संजीव नाम का युवक वर्कशॉप में पार्टनर था, लेकिन साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल संजीव वर्कशॉप में कार के नीचे बैठकर गाड़ी ठीक कर रहा था, लेकिन इसी बीच साजिश के तहत आरोपी और उसके साथियों ने कार के नीचे लगा जैक निकाल दिया, जिसके चलते संजीव कार के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। हमने ये जानकारी मिली थी कि भाई वो जैसे कि मौके पर डेथ हो चुकी थी, तो इनको कोई पार्टनर था जो भी था, तो उसके कोई मेल जोल से ही इनको आपसी भेदभाव था पैसे के बारे में, तो वो पैसे नहीं दे पा रहा था, तो उसके बाद ही इनकी कोई आपसी में बातचीत हुई, तो उसने ये काम क्यों आया। कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ, क्या जानकारी? हादसे तो ये जी गाड़ी के नीचे हुए, जो काम कर रहे थे तो उसके नीचे गाड़ी के नीचे आ गया था, तो उससे ही मेरा चलेगा पुलिस काटेगी अपना जो भी है। गाड़ी के नीचे दबा दिया, गैरेज के अंदर ही गाड़ी के नीचे दबा दिया था। अच्छा, तो अभी पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई है, तो पुलिस कर रही है कार्रवाई। उनके हत्या केस दर्ज मोबाइल भी नहीं पाया था उसका, जो मौके पे मोबाइल होता था ना, तो वो मोबाइल भी नहीं पाया था, कोई और दूसरा लड़का चुरा के ले। साजिश के तहत हत्या, साजिश के तहत ही हत्या कराई गई है। वैसे तो कोई कौन लोग हैं, तो हर रोज ही गाड़ियाँ ठीक करता था, वैसे तो कभी हो नहीं पाया। कब से करीब 20 साल से ये काम कर रहा था, जब तक तो कोई ऐसे कोई कार्य भी नहीं था कि भाई ये हत्या का कारण नहीं है, जब तो कोई पता ही नहीं चला। वो कौन है जिन्होंने की है? वो भी उसको मेरे पार्टनर है। हाँ जी, पार्टनर है वो उसका। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पीड़ित परिजनों के बयान पर 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कल दिनांक 22/11/2030 को समय करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि संजीव कुमार वासी दलियानपुर अपने गैरेज में काम करते समय कार के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। तो डेड बॉडी ऑलरेडी कल्पना चावला करनाल में पहुँचाई जा रही। क्या कार्रवाई की जा रही? इन्होंने हत्या का शक किया है, FIR लॉन्च की जा रही है, FIR दर्ज कर ली है। किसके खिलाफ? इसका पार्टनर था, उसका नाम क्या नाम है, प्रदीप। इसका पार्टनर था प्रदीप, उसके खिलाफ शक जाहिर किया। अच्छा, तो 302 का पर्चा दर्ज कर दिया। हाँ, 302 का FIR। एक के खिलाफ? 3-4 के खिलाफ शक जाहिर किया उन्होंने। आज पोस्टमार्टम होगा? हाँ, पोस्टमार्टम करके कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि संजीव की मौत हादसे से नहीं बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है, जबकि इस मामले में अभी आरोपी पक्ष का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब देखना होगा कि पुलिस छानबीन में ये घटना हादसा निकलती है या फिर हत्या। करनाल से KCR पंजाब केसरी TV।